हेलो अरविंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि वर्तमान में हम लोग हिंदी व्याकरण में संज्ञा शब्द यानी विकारी शब्दों में संज्ञा को पढ़ रहे हैं, और संज्ञा के सभी विभेदों को पढ़ते हुए आज अंतिम विभेद को पढ़ना है। चूंकि यह जो आपका बिंदु है, यहां से प्रश्न की जो प्रकृति रही है, आप ईपीएससी देख लें या कोई भी हिंदी जो मैं आपको ये क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, ये है कोई भी हिंदी जिसमें आपकी पूछी जाएगी, ऐसी कोई भी परीक्षा सभी के लिए जरूरी है। इसलिए सारे लोग इस वीडियो लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखें। ऐसा नहीं है कि अच्छा सर टीटी में नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा। हिंदी व्याकरण जहां पूछा जाता है वहां हर जगह ये व्याकरण आपका काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी जो है आज हम सबसे जो इसका मतलब संज्ञा का तीसरा विभेद यानी जातिवाचक संज्ञा है उसके बारे में, तो मतलब जातिवाचक तो हमने पढ़ लिया था, जातिवाचक वाचक के दो विभेद भी हमने पढ़ लिए थे, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। आज हमें पढ़ना है भाववाचक। भाववाचक संज्ञाओं में मैंने बताया था कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण अलग अलग आपके जो है संज्ञाओं से भी होता, विशेषण से होता, सर्वनाम से होता, क्रिया से होता। तो इनसे सवाल पूछा है और पूछेगा, क्योंकि वो क्या करता है, विशेषण दे दिया और भाववाचक संज्ञा दे दिया। मान लीजिए तीन विशेषण दे दिया, एक भाववाचक संज्ञा। अब उसमें से पूछेगा कि निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, वो भाववाचक संज्ञा है, या निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है। ऐसे शब्द पूछेगा और हमेशा पूछा है। इस वजह से यह जो पॉइंट है आपका, ये काफी जरूरी है और बहुत मन लगाकर इसको पढ़िए, ठीक है। आपको जैसा मालूम है कि 10 प्लस कोर्सेस के अंतर्गत हम आपको ये सारे जो है सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, तो इसका बहुत अच्छे से आप लोग फायदा लीजिए और अपनी तैयारी में दिनों दिन, ठीक है, बहुत अच्छे से लगातार आधार बनाते हुए उन पर काम करिए। क्योंकि मैं बार बार वही शब्द बोलता हूं, वही लाइनें, कि सफलता हमेशा पहले से की गई तैयारी पर ही व्यक्ति को मिलती है, तत्काल तैयारी पर सफलता नहीं मिलती है। हमारे अंदर जो चीजें बन चुकी है कि अच्छा, जब वो इंस्टीट्यूशन का दोष है, जितनी संस्थाएं परीक्षा कराती हैं उनकी वजह से ऐसी भ्रम की स्थिति उत्तर प्रदेश के बच्चों में बनी है कि वो सोचते हैं अभी वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी तब हम जाएंगे फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जब डेट आएगी तब हम कोचिंग या कोई टेस्ट सीरीज या कोई किताब खरीदेंगे तब पढ़ेंगे। ये रवैया सरकार की तरफ से, उन संस्थाओं की तरफ से हुआ, इसलिए बच्चों के दिमाग में ऐसी स्थिति पैदा हो गई। आप एसएससी वालों को देख लो, अन्य स्टेट वालों को देख लीजिए, वो कभी भी पढ़ाई बंद ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है चलो इस साल नहीं आ रही, अगले साल तो आएगी, और वो इसी वजह से उनका सिलेक्शन ज्यादा है। आप उत्तर प्रदेश में ये रेशियो कम पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर ऐसी संस्थाएं हैं, सरकार का ऐसा रवैया है, कोई सरकार आती है तो उसे भर्ती करवाती भी है, तो इतनी धांधलेबाजी की एक वर्ग जो है विद्यार्थियों का जो तैयारी करता है वो नकारात्मकता से भर जाता है, ठीक है। इससे पहले सपा सरकार बहुत खुला उदाहरण है, कोई ऐसी भर्ती नहीं हुई जिस भर्ती में उसमें जो है आपके मतलब धांधली ना हुई हो। अब एक सरकार आई, कही कि हम धांधली जो है खत्म करेंगे, तो वो कोई वैकेंसी करवा ही नहीं रही, ठीक है। आयोग इतना सुस्त पड़ा, अभी कल शासनादेश को लेकर आलोक सर्वे लाइव आए थे, बहुत सारे ग्रुप में देखा बच्चे इतनी अफवाह फैला रहे, झूठी सीधी, किसी को कुछ पता नहीं है, वो जो शब्द लिखे हैं शब्द का मतलब नहीं आता, बस एक तरफ से वो कौन सा बेवकूफ कोई चैनल है, ठीक है, न्यूज चैनल, उसने दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई नई वैकेंसी नहीं, उसी को यहां पर बच्चे मतलब भाव में चले गए, भाव विभोर हो गए, इतने बेवकूफ लोग, ये खुद तो डिस्टर्ब होंगे ही, साथ साथ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको भी इनकी मना स्थिति जो है ये डगमगा रहे। ऐसे लोगों के मुझे साफ चेतावनी है, भैया पहले आप शब्दों को जानना जो है अर्थ निकालना सीखिए, किसी के बारे में जानिए तब आप कमेंट करिए। कल से एक ही चीजें मैंने देखा, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, हर जगह उत्तर प्रदेश में कोई जो है वैकेंसी नहीं। अरे भाई न्यूज वालों क्या चाहिए, थोड़ा सा मिर्च मसाला तो चाहिए। उसमें पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार, इस समय सब खाली बैठे हैं, चलो कोई चला दो सबसे ज्यादा हमारी टीआरपी बढ़ जाएगी। अरे ऐसी चीजें मत करो, आप लोग पढ़े लिखे हो, उनके चक्कर में मत आओ, शासनादेश जो लिखा है उनकी लाइनों को सीखो, शब्दों का अर्थ निकालना जानो, कोई मतलब नहीं जानते हो आप लोग, नाहक में परेशान हो, ठीक है, उन चीजों को छोड़ो। यहाँ 10 प्लस जो कोर्स चल रहा है, इस कोर्स का फायदा लीजिए, अच्छे से पढ़िए। इसमें वीडियो सब निःशुल्क दे रहे हैं, इसमें यह भी नहीं सुन रहे लॉकडाउन है सर जी तो स्थिति बेकार है, हम जो है एडमिशन नहीं ले पाएंगे। भैया एडमिशन कौन कह रहा, सारे वीडियोस फ्री हैं, पढ़ लो अच्छे से। अगर पीटी होगा पीटी में काम आएगा, अगर उत्तर प्रदेश एसआई अगले साल आएगी तो उसमें काम आएगा,
क्यों नहीं होगा, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते हो, जानते हो अच्छा परीक्षा जब आएगी तो हिंदी की एक किताब खरीद लाएंगे और उठाकर बस ऐसे रट के काम चल रहे, और वहां पर जब जाओगे तब पेपर में नजर आता ये तो घंटा है। ऐसे काम मत करो, इसी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों रेशियो कम है? क्योंकि ये आदतें हैं आप लोगों की। अगर पीडीएफ इसके चाहिए, कोई चाहिए, तो 3 महीने के लिए आप 499 रुपए पेमेंट करके जुड़ जाइए, ठीक है। अगर पीडीएफ कोई चाहिए आपको, 150 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ऐसा सोचना पड़े नहीं लॉकडाउन में हम गरीब हो गए, ठीक है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में। उससे पहले चीजें जो है, जो लोग कह रहे थे कि मतलब पद नहीं, कोई नई भर्ती नहीं आएगी, एक काम समझो, जैसे लेखपाल के वर्तमान में मान लीजिए 40,000 अगर पद स्वीकृत है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो नए पद चिल्ला रहे कि नहीं आएगी, उसका मतलब समझ लो, अगर 40,000 पद स्वीकृत है तो 40,000 में से इस समय मान लीजिए अगर 35,000 पर लेखपाल कार्य कर रहे, 35,000 पदों पर, और जो इसमें 5,000 पद बाकी हैं, इन 5,000 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसे चकबंदी अभी होना प्रारंभ हो जाए या कोई ऐसा विभाग बन जाए जहां लेखपालों का दायित्व बढ़ जाए थोड़ा सा, तो और ज्यादा संख्या बल में लेखपाल की मान लो अब जरूरत पड़ने लगे 42,000, तो ये जो 2,000 एक्स्ट्रा हो रहे इन लेखपालों की वैकेंसी नहीं होगी, लेकिन जो 40,000 बने हैं, 5,000 खाली है, इनकी वैकेंसी होगी 100%। शासनादेश का मतलब ये होता है। आप लोग पता नहीं कहां चिल्ला रहे, उसका अर्थ पहले जानो, उसका अर्थ सीखो। जितने पद बने हुए हैं उन पदों में खाली हम उन पर भर्ती होनी है, उन पदों की अगर आवश्यकता ज्यादा हो रही है तो उन पर नए पदों का सृजन नहीं होगा, यह शासनादेश कहता है, ठीक है। 40,000 में अगर 32,000 भरे हैं, 8,000 सीटें खाली है, तो 5,000 जो कहा जा रहा है लेखपाल के लिए वो आएगी, उसमें ये नहीं हो एकदम हाथ पैर खोल के अरे सर जी वैकेंसी नहीं, आप पता नहीं क्या बता रहे हो। पहले अर्थ समझो, मतलब समझो, फिर आओ, ठीक है। आप अभ्यर्थी हो, आप थोड़ा सा भी मतलब शासनादेश में ऐसे शब्द लिखे होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में आपको स्पष्ट पता नहीं, बस दो चार जो है मैंने ग्रुप वालों को देख लिया, फेसबुक वालों को, पता नहीं कहां से आ गए हैं ग्रुप चलाने, बस वो अपने ग्रुप में इतनी अफवाह फैला दी कि बच्चे हर ग्रुप में जाके पूछने लगे, तो ऐसी चीजें नहीं है भैया। समझो पहले, मतलब समझो, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, तब तैयारी में आओ। आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए ना, आप परेशान नहीं होना, आगे चलिए शुरू करते हैं जो हमें पढ़ना है। भाववाचक संज्ञा के बारे में आज हमें बताना है। यह संज्ञा का तीसरा प्रकार होता है। संज्ञा के 5 प्रकार कुल होते हैं जैसा कि माना जाता है, लेकिन मूल रूप से 3 हैं। पहली व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक। जातिवाचक के अंतर्गत 2 प्रकार की आती है जिनमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक होता है। तो जो 4 प्रकार की थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया, आज हमें भाववाचक के बारे में पढ़ना है। भाववाचक संज्ञा यथा नामे यथा गुणे, ठीक है, को दर्शाती है, मतलब ऐसे शब्द जो किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, ये सब जो शब्द हैं, ये कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई अवस्था, कोई ना कोई दशा दर्शा रहे, और यही इसी वजह से ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, समझ गए। अब हम कुछ उदाहरणों को जैसा कि इसमें वाक्यों में प्रयोग करके पूछता है, तो वाक्यों में से देखो ऐसे सीधे सीधे देगा, कोई ऐसे 4 आपके ऑप्शन देगा, एक भाववाचक के अलावा कोई और रख देगा, अब से पूछेगा कि निम्न जो है शब्दों में से कौन आपका भाववाचक शब्द नहीं है, तो वहां आपको ढूंढ के करना होगा, और अधिकतर यह सवाल आपका पूछता ही पूछता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका है भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरणों को मैंने वाक्यों में पिरवाया है, और इन्हीं को समझ गए तो आप समझ जाओ भाववाचक संज्ञा कभी गलत नहीं करोगे। जैसे पहला शब्द है भारत में गरीबी बढ़ रही है। अब यहां पर जो गरीबी शब्द है, गरीबी का अर्थ हो गया कि गरीब, गरीबी का अर्थ हुआ कि गरीब होने का भाव का बोध होने लगा यहां पर। गरीब शब्द पूछेगा तब दूसरी बात है, गरीब विशेषण में जाएगा, ये यहां पर क्या है, गरीबी जो है ये भाववाचक संज्ञा, इस चीज को जो है ध्यान रखिएगा। दूसरा मैंने प्रयुक्त किया, मेरा बचपन खेलकूद में जो है बीता। अब यहां जो शब्द आपका बचपन आ रहा है, बचपन का मतलब कि जब आप बाल्य अवस्था में थे, जो है जब आप बच्चे थे, तो एक भाव दिखाया, एक दशा को दर्शाया, इस वजह से बचपन शब्द में क्या है, बचपन शब्द आपकी एक भाववाचक संज्ञा है। ऐसे तीसरा है, मेरे दोस्त की लंबाई मेरे से अधिक है, ठीक है। अब यहां तुलना किया गया, यानी
लंबाई जो शब्द है इसमें क्या हो गया, लंबा होने का भाव पता चल गया और इस वजह से लंबाई एक भाववाचक संज्ञा है। ऐसे रमेश और सुरेश की आपस में दोस्ती है, अब दोस्ती का मतलब एक अच्छे दोस्त, ठीक है, शत्रुता भी तो होती है, तो यहां दोस्ती का भाव पता चल रहा है, इस वजह से क्या है, यह दोस्ती शब्द आपकी भाववाचक संज्ञा है। ऐसे उदाहरणों को मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया है कि विकास की आवाज में बहुत मिठास है। अब मिठास का अर्थ हो गया मीठापन है आवाज में विकास की, तो वहां पर आपको समझ जाना है कि एक भाव आ रहा। वाणी कई प्रकार की होती है, कर्कश होती है, ठीक है, मीठी होती है, कुछ और भी तरीके हो सकते हैं वाणी के निकलने के, ठीक है। ऐसे इसमें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो आजादी शब्द आया है, यह आजादी शब्द क्या है, आपको आजाद होने का भाव दर्शाती है, तो यह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इन्हीं को आपको अच्छे से समझना है, मुझे तुम पर काफी गुस्सा आ रही है। अब यहां जो गुस्सा शब्द है यह क्या है, भाव है, आपके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, गुस्से का भाव आया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा होगी। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्रेम भी एक भाव है। मैं तुमसे घृणा करता हूं, मैं तुमसे नफरत करता हूं, मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूं, तो ये सारे मना स्थित के हमारे भाव होते हैं। अब भाववाचक संज्ञा बनती कैसे कैसे है, इसके कई तरीके होते हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं, और ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा। जातिवाचक संज्ञा से सबसे पहले हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, इन चीजों को सीखिए अच्छे से। जैसे मनुष्य आपका शब्द हो गया, यह जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य का मतलब एक जाति। अब मनुष्य से अगर हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है तो इसमें, ठीक है, ता शब्द जोड़ दिया जाए अंत में, तो यह बन जाती है मनुष्यता। मनुष्यता क्या है, एक भाव दर्शाने लगी, कहते नहीं मनुष्यता दिखती नहीं है, ठीक है। ऐसे अगली चीज है मित्र, एक शब्द है जो जाति दिखाता है, और इसमें ता प्रत्यय आपका जुड़ गया तो ये क्या हो गया, मृत जो है मित्रता। अब मित्रता एक भाव है, शत्रुता एक भाव है, ठीक है। तो ऐसे प्रभु है, प्रभु से बन गया प्रभुता, यानी ता प्रत्यय जोड़ा गया। ऐसे आपका बच्चा है, बच्चा से बन गया बचपन, अब बचपन एक भाव है। शैतान एक शब्द है आपका, शैतान, ठीक है, ये भी जातिवाचक शब्द है, इसमें जो है बड़ी की मात्रा लगाई गई प्रत्यय के तौर पर, तो शैतानी बन गई। ऐसे शत्रु है तो शत्रुता बन गया, समाज है तो सामाजिकता बन गया, ठीक है, मूर्ख है तो मूर्खता बन गया, डाकू है तो डकैती बन गई, माता है मातृत्व हो गया। ये सारे जो शब्द है ये आपके जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित है। जैसे आदमी, अब आदमी एक जाति है, लेकिन आदमीयता ये क्या हो गई, एक भाव है। सेवक, सेवक आपकी क्या है, एक जाति है। और अगर इसकी भाववाचक संज्ञा बना दे तो क्या बोलेंगे, सेवा, ठीक है, सेवा भाव। अध्यापक क्या है, एक जाति है, लेकिन इसका अगर हम क्या बनाए, भाववाचक संज्ञा, तो अध्यापन होगी। भाई, भाईचारा, वकील, वकालत, साधु, साधुता, ये सारे आपके जो शब्द लिखे हैं ये है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे कैसे होता है, इनको समझो। जैसे एक शब्द है सर्व, सर्व का अर्थ हुआ सभी, सर्वनाम में चूंकि क्या आते हैं, मतलब जो सभी नामों के लिए प्रयुक्त हो उनको सर्वनाम कहते हैं, तो सर्व मतलब सभी। अब इससे भाववाचक बनाना है और हम बोल दिए सर्वस्य, तो वहां एक भाव निकल गया कि सभी को बोल दिया गया, समझ गए। जैसे मां है, मां शब्द है, अब मां में हम क्या बोले, ममता, ममत्व, ये सभी के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, सभी को आप मां बुला सकते हैं। अगला है पराया, अब पराया में पन जोड़ देंगे तो परायापन बन जाएगा, ये शब्द आपका भाववाचक है। अपना, अपनत जो है अपनापन, निज, निजित्व तो हो गया, ठीक है। तो ये आपके सर्वनाम से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। आगे देखते हैं विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञाओं को हम बनाते हैं। तो विशेषण शब्दों में ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है, यहां पर गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इस वजह से इसको बहुत सावधानी से समझना। जैसे अच्छा एक शब्द है जो कि विशेषण है, अब इससे भाववाचक शब्द हमें बनाना, तो यहां पर बनेगा अच्छाई, ठीक है। सुंदर एक शब्द है जो आपका विशेषण है, इससे सुंदरता भी बना सकते, सौंदर्य भी बना सकते, दोनों आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। शीतल, शीतल यह एक आपकी क्या है, विशेषण शब्द है, लेकिन यहां से जो निर्माण होगा शीतलता बनेगा। सफल है तो सफलता, कायर है तो कायरता, चतुर है तो चतुर से चातुर्य भी शब्द बनता है और चतुराई भी बनता है, ये दोनों भाववाचक संज्ञाएं होती हैं।
ऐसे निर्बल है तो निर्बल से निर्बलता बनता है, यह भी भाववाचक संज्ञा है। बड़ा है तो बड़ा से बड़प्पन बनता है, ठीक है। कातर है तो कतर जो है कतराता या कातरता जो कोई भी जोड़ सकते हैं। मधुर है तो मधुर से मधुरता भी बन सकता और माधुर्य भी बन सकता। दोनों के दोनों क्या है आपके भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इसको मैंने लिख दिया अच्छे से, जो जो पूछे गए हैं, जो जो आने के चांसेस। अगला हम देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। देखिए भैया, क्रिया शब्द से अगर भाववाचक संज्ञा आप बनाएंगे तो जैसे पढ़ना, अब पढ़ना एक क्रिया आपका शब्द है, यहां से अगर भाववाचक और बोल दिया किसी ने पढ़ाई, आप बोल दिया मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो यहां से भाव क्या उत्पन्न हो गया कि अच्छा आप पढ़ने का कार्य कर रहे हो, एक भाव उत्पन्न हो गया। जैसे खोजना, खोजना एक क्रिया है, लेकिन अगर इसको भाववाचक में परिवर्तित करना है और सिर्फ बोल दिया गया खोज, तो खोज भाववाचक संज्ञा होगी। ऐसे है सीना, सीना का मतलब किसी कपड़े को सीना, ठीक है, और बोल दिया गया सिलाई, तो सिलाई क्या हो गई, एक भाववाचक संज्ञा हो गई, समझ गए। ऐसे लड़ना, लड़ाई, चलना, तो चाल बोल सकते, चलन बोल सकते, खेलना, खेल बोल सकते। जो भाव को दर्शा दे शब्द, ऐसे शब्द आपके क्या बनेंगे, भाववाचक संज्ञा। ऐसे सिर्फ संज्ञाओं से आपको बनाना हो तो बहुत सारी संज्ञाओं को यहां मैंने लिख रखा है, वहां से आप बना सकते हैं, ठीक है। भार हो गया भारीपन हो गया, मित्र हो गया मित्रता, किशोर किशोरापन, दास हो गया दासता, ठीक है, पंडित हो गया शत्रु हो गया। इसमें अधिकतर आपके क्या है, जातिवाचक संज्ञाएं वही है, मतलब जातिवाचक से भाववाचक में परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसमें जो है पूरे उदाहरणों को जो उनसे अलग थे उनको मैंने यहां जोड़ दिया है। तो उम्मीद है आप इन सारी चीजों को समझ गए होंगे, संज्ञा को, ठीक है, अच्छे से इसके तीनों पार्ट को। अब संज्ञा के बाद हम आगे बढ़ेंगे और वहां पर हम सीखेंगे इसका अगला सर्वनाम बारे में पढ़ेंगे, फिर क्रिया, फिर विशेषण, ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि शब्द मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की आप कोई परीक्षा में बैठ रहे हो या कोई भी हिंदी भाषी आपका जो है राज्य है, जहां पर आपसे हिंदी पूछता है किसी प्रश्न पत्र में, वहां आप यह मान के चलिए कि उस प्रश्न पत्र में जो शब्दों का खेल होगा वह सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़िए, मस्त होकर पढ़िए, घबराना नहीं है, भर्ती आएगी, उस चीज को लेकर नहीं परेशान होना है। अपने आप को सिर्फ स्थिर रखते हुए, मनोबल को बढ़ाते हुए हर दिन क्या करना है, पढ़ते चले जाना है, ठीक है, क्योंकि रुकना कभी भी मनुष्य में होना नहीं चाहिए। अगर आप रुक गए तो आप अपने पतन की ओर जाना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है, याद रखना। चलिए फिर मिलते हैं आगे, धन्यवाद।